आज टीकमगढ़ जिले के संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट के सामने सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम सामूहिक गायन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश याची ने बताया कि हमारी सरकार में बीते 15 सालों में माह के प्रथम सोमवार वंदे मातरम का सामूहिक गान किया जाता रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जैसे ही बदली, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्णय वापस ले लिया। इससे कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया है और ऐसे निर्णयों से पूरे प्रदेश में आंदोलन छिड़ जाएगा। देखिए, आज हम सब लोगों ने जिला मुख्यालय पर संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट पर वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया है। आप सबको पता भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार विगत 15 वर्ष से ये आयोजन चला रहा है और ये हर सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार माह के प्रथम उसमें ये आयोजन होता था। सरकार जैसे ही बदली, कांग्रेस के कमलनाथ जी ने इस निर्णय को वापस लिया और ये कहा कि इस तरीके का गान हम नहीं करेंगे। ये शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में क्या, ये देश में हम सब के लिए गर्व और सर को ऊंचा करने की बात होती है जब हम राष्ट्रगान वंदे मातरम का गीत गाते हैं तो हमारे रोम रोम में सिरहन हो जाती है। हम सबका भारत माता के प्रति सर अपने आप झुकता है और गर्व से हम भारत माता की जय बोलते हैं। इस तरीके के निर्णय इस सरकार ने लिया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज इस 10 बजे गायन का कार्यक्रम किया है। तो हम सब लोग, अगर सरकार ने इस तरीके के निर्णय लिए और बदले जो राष्ट्रीय तौर देश हित के हैं, तो हम सब लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश में एक ऐसी अलग जगाएंगे कि इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष एवं सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रगान के प्रति विरोध किया है, उसको ना करने का विरोध किया। हम सभी प्रदेशवासी, सभी पूरे राष्ट्रवासी, सभी इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो विरोध किया है राष्ट्रगान का, हम सभी सामूहिक रूप से विरोध करते हैं। और आज इस यहाँ आकर हम सभी ने 10 बजे समस्त जिला के, पूरे प्रदेश के लोगों ने, सभी राष्ट्र के लोगों ने, सभी राष्ट्र की गाया है और हमेशा गाते रहेंगे। आपका नाम क्या है? अभिषेक खरे राम। कौन से पद को आप? भाजपा के जिले का महामंत्री। आज वंदे मातरम में गान किया है, वो मुख्यमंत्री ने जो बंद करा दिया है, उसके बारे में बताइए। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक आदेश जारी किया था और वंदे मातरम गायन का बंद किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद उन्होंने शुरू तो किया है दबाव में आके, और 13 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वंदे मातरम गायन पहली तारीख को नहीं गाया गया। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस हमारे देश की जो शान और परंपरा है उसको शुरू करने के लिए, फिर से पुनः शुरू करने के लिए उसी समय घोषित किया था। आज हम लोगों ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर जाके वंदे मातरम का गायन किया है और ये उन्होंने आज सदी वापस नहीं लेते, तो हम लोग इस कार्यक्रम को निरंतर रखते हैं, अपने वंदे मातरम गायन का सम्मान रखते हैं। ये हमारा आज हम लोगों का उपलक्ष्य कार्यक्रम। टीकमगढ़ सिटी से सुरेश प्रभाकर की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।